रामलीला में उमड़ी भीड़, लिया लीला का आनंद। मुख्य अतिथि सपा के पूर्व सांसद विधायक ने फीता काटकर आरती उतार कर लीला का मंचन शुरू हुआ। सलाहपुर में धनुष यज्ञ लीला में सुबह तक डटी रही भीड़। फफुन थाना क्षेत्र के गांव सलाहपुर में धनुष यज्ञ लीला का मंचन किया, जिसकी शुरुआत पूर्व सांसद विधायक प्रदीप यादव ने मंच का फीता काटकर और राम दरबार की आरती उतार कर किया। रामलीला देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जो सुबह भोर तक डटी रही। शिव महाराज सलाहपुर में आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन में पूर्व सांसद प्रदीप यादव ने कहा कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं, उनके आदर्शों पर चलने से हमारा जीवन सफल होगा। रामलीला मंचन में राजा जनक के सजे हुए दरबार में स्वयंवर में पहुंचे राजाओं ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। जिसे देख राजा जनक व्याकुल होकर बोल उठे कि अगर वह जानते कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करते। यद्वेक गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम धनुष के पास जाकर धनुष को प्रणाम कर उठाते हैं और जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं वह टूट जाता है। सीता हाथ में जयमाल लेकर राम की ओर बढ़ती हैं और उनके गले में जयमाल डाल देती हैं। तभी भगवान परशुराम गर्जना करते वहां पहुंचे। उन्हें देखकर कई राजा तो स्वयंवर से भाग निकलते हैं, जो नहीं भाग पाए वो कांपने लगते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है। कार्यक्रम मंगलवार सुबह 10 बजे तक चलता रहा, जिसे देखने के लिए श्रोताओं की भारी भीड़ डटी रही। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य व विशिष्ट अतिथि अजयपाल जाटो, विपिन गुप्ता, सोनू त्यागी, वीरेंद्र राजपूत आदि लोग उपस्थित रहे, जिसमें रिंकी ने स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया। ब्यूरो चीफ विमल पांडे।